सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे घर पे। सो हमारा क्लास सेवन्थ का साइंस का जो सेकंड चैप्टर है कि न्यूट्रिशंस इन एनिमल, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो डाइजेशन ह्यूमंस में, मतलब कि मनुष्य में पाचन तंत्र, उसके बारे में हमने लास्ट में देखा था कि उसके जो बकल कैविटी, फिर फूड पाइप, फिर स्टोमेज, फिर इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, उसके बारे में हमने लास्ट में देखा था। फिर हमने सलाइवरी ग्लैंड्स, जो जो लार ग्रंथियां हैं, उसके बारे में देखा था। फिर लीवर के बारे में थोड़ा देखा था। एंड आपने जो होमवर्क किया था कि आपको उसके बारे में लिखना था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, माने कि मनुष्य में पाचन तंत्र की सिस्टम के बारे में लिखना था। सो अब नेक्स्ट है द माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेस्टाइन। सो अब जो हम फूड लेते हैं, आप फूड भोजन लेते हो तो आप अपनी बॉडी में माउथ से लेते हो, जो हमारा मुंह है उससे लेते हो। और ये जो प्रोसेस है कि फूड लेने की माउथ से, उसको इंजेस्टाइन कहा जाता है। वी चू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। अब हम क्या करते हैं कि हम जो फूड लेते हैं वो हम फिर खाते हैं, मतलब कि किसकी हेल्प से खाते हैं, टीथ, जो हमारे दांत होते हैं उनकी मदद से। और उनको हम मैकेनिकली, मतलब कि हम उनको छोटे छोटे पीस में खाते हैं। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि कोई भी हम काम करते हैं, जैसे हम चलते हैं वो भी एक मैकेनिकली काम है, फिर हम दौड़ते हैं, फिर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं वो मैकेनिकली कहा जाता है, कि जिसमें हमको थोड़ा काम करना पड़ता है। ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेटेड सॉकेट इन द गम्स। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब क्या है कि हमारे जो दांत हैं वो हमारे जो मसूड़े होते हैं, जिसे हम पेड़ा भी कहते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। और हमारे दांत के डिफरेंट फंक्शन हैं, अकॉर्डिंग टू दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। अब हम उनके नेम्स और उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में ये जो तीन होते हैं उनको मोलर कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो तीन हैं, आपको फोर नेम याद रखने होंगे। सो आपको ये तीन दिखाई दे रहे हैं, उनको मोलर कहा जाता है, जिसे हम डाट भी कहते हैं। फिर उसके आगे जो दो होते हैं उनको प्रीमोलर, और उनके आगे के जो दो दांत होते हैं, एक और दूसरे दो, उनको कैनिन और इंसाइर कहा जाता है। सो ये हमारे जो दांत हैं, तीत हैं, उनकी जो अंदर की प्रोसेस, मतलब उनकी अंदर की जो गोठौनी है, उसके बारे में है कि फर्स्ट है मोलर, फर्स्ट तीन है उनको मोलर कहा जाता है, उसके आगे के दो है उसको प्रीमोलर, फिर एक है उसको कैनाइन, और फिर जो एक और दो हैं उनको इंश्योर कहा जाता है। अब आगे एक्टिविटी 2.2। वॉश योर हैंड लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अब क्या है कि इसमें एक एक्टिविटी है जिसमें आपको आपके हाथ धोने होंगे और आपको आपके दांत काउंट करने होंगे। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। आपको आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, उंगली है, उसकी हेल्प से आपको काउंट करने है और आपको देखने है कितने दांत है। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड और एट इट। मतलब कि आपको एक छोटा सा एप्पल का या कोई फूड का आपको एक पीस लेना है और उसको खाना है। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग एंड विच वंस प्रिसिंग एंड टीयरिंग। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। अब आपको क्या करना है कि आपने जब फूड लिया तो आपको देखना है, जब आप खाते हैं तो ऐसे कौन से दांत हैं, फर्स्ट आप खाते हो तो ऐसे कौन से तीथ हैं, तो आप उसको फर्स्ट खाएंगे और उसके आप डिफरेंट आप उसका जो पीस में उनको विभाग करेंगे। मतलब आप खाते हो तो फर्स्ट आप कौन से तीथ का यूज़ करते हो, उसके बाद आप कौन से तीथ का यूज़ करते हो, फिर आप किन तीथ से आप उनको ज़्यादा खाते हो, उसके बारे में है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अब यहाँ पे एक
ऑब्जर्वेशन टेबल है कि उसमें आपको ये सब लिखना है, ये एक्टिविटी जब आप आओगे तब हम किसी एक दो स्टूडेंट को खड़ा रख के, मतलब कि सबके सामने ऐसे बुला के, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हम कराएंगे और ये एक्टिविटी है हमारी बुक में। सो अब आगे, आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा, डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। अब क्या है कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जिसे हम लार ग्रंथियाँ कहते हैं। मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊं तो जो हमारी थूक होती है जिसे हम सलाइवा कहते हैं। अब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे भोजन पे उसकी क्या इफ़ेक्ट होती है, कि हम उसको खाते हैं, हमारा जो भोजन हम ऐड करते हैं तो उस पे जो भोजन पे उसकी कौन सी प्रोसेस होती है उसके बारे में हम देखेंगे। इसके लिए यहाँ पे एक टेस्ट दी गई हुई है, मतलब कि एक एक्टिविटी दी गई हुई है उसके बारे में हम देखेंगे। एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.3, टेक टू टेस्ट ट्यूब, लेबल देम ए एंड बी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को ए बोलना है और एक को बी। ए इन द टेस्ट ट्यूब, ए पुट 1 टेस्ट स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। अब एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, जो बॉइल्ड राइस होते हैं उसको डालना है। इन द टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टेस्ट स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इन फॉर 3-4 to 5 मिनट्स। अब क्या करना है कि बी में आपको जो बी टेस्ट ट्यूब है उसमें बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, मतलब च्यूइंग राइस, मतलब कि उसको पहले राइस को पका लेना है, फिर उसको च्यूइंग मतलब कि चबा के रखना है, फिर उसको 3 से 5 मिनट्स में टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। एड 3-4 ml ऑफ वाटर इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। फिर क्या करना है कि उसमें थोड़ा पानी डालना है, वाटर डालना है। Now power 2-3 drops of iodine solution in each test tube and observe। अब क्या करना है कि हमने फर्स्ट, फिर उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। फर्स्ट हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, एक को ए नाम दिया, दूसरे को बी। एक टेस्ट ट्यूब में हमने बॉइल्ड राइस डाले, फिर दूसरे में बॉइल्ड एंड चू मतलब चबाने वाले राइस, कि हमने जिस राइस को चबाया था, बॉइल्ड भी राइस थे और वो चबाए हुए भी राइस थे, वो हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाले। फिर दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी डाला, 3-4 ml, फिर 2-3 ड्रॉप्स हमने आयोडीन के डाले। अब ऑब्जर्व करने का होगा कि अब ऑब्जर्व करके क्या चेंज होता है। Why is there a change in color is the test tube, discuss the result with your classmate and your teacher, the saliva। अब क्या है कि अब हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ए जो बॉइल्ड राइस हैं उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बट जो सेकंड सॉरी जो बॉइल्ड राइस हैं उसमें डिफरेंट है कि उसका कलर थोड़ा डार्क हो गया, बट जो बी टेस्ट ट्यूब थी उसमें कोई भी ऐसा डिफरेंट दिखने में नहीं आ रहा। इसमें क्या हमको नतीजा मिलता है, इससे हमको क्या मिलता है कि द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। अब इसमें क्या है कि जो हमने बॉइल्ड राइस थे वो हमने सिंपल बॉइल्ड राइस रख दिए थी, बट जो बी में था कि हमने उस बॉइल्ड राइस को बॉईल किया था, राइस को बॉईल किया था एंड उसको हमने चबाया था, मतलब कि हम जब उसको चबाएंगे कि तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी मुंह की लार थी, मतलब कि जो सलाइवा था, वो जो राइस होते हैं उनमें कन्वर्ट हो गए, मतलब कि राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट्स को वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए कि हमारी जो सलाइवा है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जो स्टार्च है वो क्या होता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमको ये जानने मिलता है कि जो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने जब फर्स्ट ए टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने बॉइल्ड राइस रखे थे एंड जो सेकंड टेस्ट ट्यूब थी उसमें बॉइल्ड एंड जो चबाने वाले राइस रखे थे, जिसमें हमको ये नतीजा मिलता है कि स्टार्च की सॉरी जो सलाइवा की इफ़ेक्ट होती है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। अब आगे है, अब टंग के बारे में, जो हमारी जीभ होती है टंग, उसके बारे में। द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्क
वास्क्यूलर ऑर्गन अटैच द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो हमारी जीभ है वो हमारे जो बकल कैविटी मतलब कि हमारा जो मुंह है उसके जो बैक में बैक साइड होती है, जो मुंह जहाँ तक जाता है उसके बैक साइड तक जुड़ी होती है। इट इज़ द फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, जो हमारी जीभ है वो हमारे जो जो हमारी जीभ है वो पूरी तरह से फैली होती है, मतलब कि हमारी जीभ है वो फ्री होती है, वो कहीं भी ऐसी आगे पीछे हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं तो जो हमारी जीभ है उसमें कोई उसमें कोई हड्डियां नहीं होती है, वो फ्री होती है, वो इसलिए वो पूरे डायरेक्शन में घूम सकती है। क्या आप उसके फंक्शन के बारे में जानते हैं? वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड इट्स मिक्सिस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्लोइंग फूड्स। जो हमारी जीभ है वो सलाइवा जो हमारी थूक होती है उसको उसकी हेल्प से फूड को मिक्स करती है, जो हम उसका काम है, और वो बातें भी करती हैं। जो हम टॉकिंग करते हैं वो भी सलाइवा जो टंग है उसकी हेल्प से करते हैं। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ अवर टंग, इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डायरेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। जो हमारी जीभ है उसकी हेल्प से हम डिफरेंट जो हमारे फूड होते हैं हमको मालूम पड़ता है। जैसे कोई तीखा भोजन है तो हमको जीभ की हेल्प से पता चलता है कि हाँ ये तीखा है, फिर कुछ ऐसा स्वीट है तो उस हमारी जीभ की हेल्प से हमको पता चलता है। वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ऐसे कौन से हमारी जो जीभ है वहाँ पे ऐसे कौन से भाग हैं जहाँ पे हमको पता चल सकता है कि हाँ ये जो जीभ का भाग है वहाँ से हमको तीखा भोजन खाते हैं तो वो पता चलता है, और जो ये जीभ का भाग है वहाँ से हम जो कड़वा भोजन खाते हैं वो हमको पता चलता है। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। अब जब आप नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से हम देखेंगे कि हमारी जो टंग है कि टंग की हेल्प से हम कैसे फूड के टेस्ट जान सकते हैं। आपका आज का लेक्चर इतना ही है, और आपका होमवर्क ये है कि आपको दो क्वेश्चन लिखने हैं। फर्स्ट जो हमने ये जो टेस्ट देखी थी कि सलाइवा ऑन फूड मतलब कि सलाइवा की इफ़ेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, ये आपको टेस्ट लिखनी है। टेस्ट छोटी है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है टेस्ट, और ये आपको ये जो टेस्ट ट्यूब वाली जो ड्राइंग है वो आपको आपकी बुक में ड्रॉ करनी है। मतलब कि ये दो टेस्ट ट्यूब और ये जो नाम है वाटर बॉइल्ड राइस आयोडीन सॉल्यूशन, ये सब आपको ड्रॉ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एक्टिविटी लिखनी है, देन जो आपने टंग के बारे में समझाओ वो आपको लिखना है 4 to 5 सेंटेंस में। सो आपका होमवर्क एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको। फर्स्ट एक्टिविटीज़ लिखनी है ये जो हमने सलाइवा वाली देखी, फिर आपको टंग के बारे में लिखना है। सो हमारा यहाँ पे एक बोजो नाम का जो ये क्वेश्चन करता रहता है उसको भी एक डाउट है कि जो हमारी इंसिस्टाइन होती है, जो हमारी आंतरडा होता है, जो छोटा आंतरडा होता है उसकी साइज़ बहुत ही बड़ी है। कि आप पेज नंबर 616 पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्मॉल इंसिस्टाइन है उसकी लेंथ है 7.5 मीटर्स की, बहुत ही बड़ी लेंथ है जो हमारे पेट में वो मौजूद होती है। वो इसको देख के इतना थोड़ा वो समझ नहीं पा रहा कि इतनी बड़ी लेंथ हमारे मतलब कि इतना बड़ा जो ऑर्गन है वो हमारे पेट में कैसे आया है, मतलब कि कैसे हमारे पेट में रहता है। सो इसका डाउट था। देन लास्ट है ये फैक्ट होते हैं जो बताते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये मैं भी आपको पता ही होगा जब आप 6 to 8 ईयर के होंगे तो आपको जो फर्स्ट टीथ आते हैं जिसे हम मिल्क दांत भी कहते हैं और दुधिया दांत भी कहा जाता है, वो जो आपके फर्स्ट मिल्क दांत होते हैं मिल्क टीथ होते हैं वो जो आपको फर्स्ट थोड़े टाइम होते हैं 6 to 8 ईयर की एज में, फिर जो आप वो अपने आप गिर जाते हैं या फिर ऐसे ही आपने भी कभी कभी वो दुखता होगा तो आप उसको
तोड़ देते होंगे। सो उसके बाद जो दांत आता है उसको परमानेंट दांत कहा जाता है, परमानेंट टीथ कहा जाता है, इसके बारे में था। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है चिल्ड्रंस। सो आपका होमवर्क मैंने आपको समझा दिया है, दो क्वेश्चन लिखने हैं, फर्स्ट में एक्टिविटी लिखनी है, देन सेकंड क्वेश्चन में टंग के बारे में लिखना है। सो आपको कोई डाउट क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो मेरा कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू।